हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम डिफेंस पे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम ये पता करने वाले हैं कि भाई फौज में कौन कौन सी रैंक होती है और वो रैंक कब कब दी जाती है, सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी है और सबसे छोटी रैंक कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आप जानते हो कि हमारी जो भारतीय सेना है वो किसी से कम नहीं, और दुश्मनों से लोहा लेने में तो भाई एक नंबर की सबसे तगड़ी आर्मी मानी जाती है। वैसे विश्व की ये पांचवी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। अब हम बात करें इसके रैंक्स की, तो जो छोटा रैंक होता है गाइज, इसमें होता है लेफ्टिनेंट का। मैं कमीशन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे छोटा रैंक होता है लेफ्टिनेंट का, और सबसे पावरफुल रैंक होता है गाइज जनरल का, जो सबसे हाईएस्ट होता है। जो फील्ड मार्शल का रैंक है स्टूडेंट्स, दोस्तों ये फील्ड मार्शल रैंक सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है, इसके पास कुछ खास पावर्स नहीं होती। आप इस सेना की कमीशन ऑफिसर्स को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहले कमीशन ऑफिसर्स, दूसरे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। जो कमीशन ऑफिसर्स हैं वो आपके सिविल सर्विसेज के ग्रुप ए ऑफिसर्स के बराबर के होते हैं, और जो आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं वो आपके सिविल सर्विसेज के ग्रुप बी ऑफिसर्स के बराबर के होते हैं। और फिर आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जिनको हम ORS यानी अदर रैंक ऑफिसर्स भी कहते हैं। अगर कोई भी फौजी NDA के थ्रू या CDS थ्रू दाखिला लेता है और वो आपके IMA या OTA से बाहर आता है अपने तैयारी पूरी करके, पास आउट करके, तो उसे लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। लेफ्टिनेंट का जो सिंबल होता है उनके कंधे पे दो सितारे होते हैं, और इन्हें यंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है। ये आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स के 9वीं सबसे हाईएस्ट रैंक मानी जाती है। और उसी तरह अगर हम बात करें कैप्टन की, तो जब आप 2 साल की सर्विस करते हैं एज अ आर्मी ऑफिसर, तो आपको कैप्टन की पदवी दी जाती है। और एक कैप्टन जो है वो एक बटालियन की कंपनी को या एक यूनिट के बैटरी को लीड करता है, जिसमें 120 सिपाही हो सकते हैं। इसके अलावा जो कैप्टन है वो बाकी और भी ड्यूटीज करता है, जो कि एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर या GP ऑफिसर का होता है। उसके बाद यदि आप 6 साल की सर्विस करते हो इंडियन आर्मी में, तो आपकी आपको मेजर की पदवी दी जाती है, और इसके लिए आपको एक पार्ट बी एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। एक मेजर एक कंपनी और एक बैटरी को लीड करता है, और इसके अलावा बाकी फंक्शंस भी करता है, जैसे एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर, GP ऑफिसर। मेजर आर्मी की 7वीं सबसे हाईएस्ट पदवी होती है। एक मेजर की पहचान उसके कंधे पे ये कॉलर पे अशोक स्तंभ का जो इंसिग्निया है, जो चिन्ह है, इससे पता लगता है कि वो बंदा मेजर की पोस्ट पे है। अगर हम आगे बात करें तो मेजर के बाद आपकी पोस्ट आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की, जिसे सेकेंड इन कमांड कहा जाता है। कर्नल फर्स्ट इन कमांड होता है। अगर कर्नल की गैर मौजूदगी है तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल ही लीड करता है आपके बटालियन और यूनिट को। ये पोस्ट आपको तब मिलती है जब आप फौज में 13 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप बी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी जाती है। ये आर्मी की छठी सबसे हाईएस्ट पदवी मानी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आते हैं कर्नल। अगर आपको बता दूं, जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है वो भी टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पे एक अशोक स्तंभ और एक सितारा पाया जाता है। अब जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, जैसे मैंने कहा, वो सेकंड इन कमांड होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं गाइस, आगे हमारे पास हमने जितने भी पोस्टों की बात की अब तक, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारे टाइम स्केल रैंक्स हैं। यानी समय जैसे बीतता जाएगा, आपकी सर्विस जितने साल की होती जाएगी, आपको ये पदवियाँ मिलती जाएंगी। लेकिन इसके बाद हम जितने भी बात करने वाले हैं पोस्ट की, वो सारे सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट हैं। यानी क्या, उसके लिए आपके ACR देखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सेक्रीफाइसेस, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाता है। जिसमें जो सबसे छोटा पोस्ट होता है सेक्शन ग्रेड में, वो कर्नल का होता है। जो सबसे हाईएस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जनरल का। देखिए, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अनुसार ही आपका जो प्रमोशन है वो तय किया जाता है कि आप प्रमोशन के लायक हो या नहीं। एक कर्नल के कंधे पे एक अशोक स्तंभ और 2 सितारे होते हैं, जो उसकी पहचान होती है। कर्नल इस पोस्ट पे 5 साल तक, कोई व्यक्ति जो कर्नल बनता है वो केवल 5 साल तक इस पोस्ट पे काम करता है, बाद में उसके परफॉर्मेंस के अनुसार उसे अपग्रेड दे दिया जाता है। अब इसके अलावा ये बात जरूरी है कि कर्नल बनने के लिए आपको भारतीय फौज में कम से कम 15 साल की सर्विस देनी पड़ती है, और कर्नल को ही कहा जाता है CO यानी कमांडिंग ऑफिसर। एक कर्नल एक बटालियन या यूनिट को लीड करता है 3 से 4 साल तक के लिए। यह फौज में 5वीं सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है। अब देखिए, जो बटालियन की मैं बात कर रहा था, एक बटालियन में 4 राइफल्स होते हैं और कुल मिला के 900 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं। अगर हम बात करें कि कर्नल आपके जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के ऑफिसर, आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह में, ये वहां पे स्टाफ ड्यूटी भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं,
अगर हम बात करते हैं ब्रिगेडियर की, कर्नल के बाद आता है ब्रिगेडियर, जिसके लिए आपको 26 साल की सर्विस करनी पड़ती है फौज में, तब जाके आपको ब्रिगेडियर की पदवी दी जाती है। जो ब्रिगेडियर होता है वो 1 स्टार रैंक होता है, यानी आपके कॉलर पे लाल रंग की एक पट्टी लगी होती है जिसपे एक सितारा बना होता है, जिससे पहचान ये होती है कि आप ब्रिगेडियर हो। एक ब्रिगेडियर पूरे ब्रिगेड को लीड करता है और वो 56 साल तक की आयु तक ब्रिगेडियर के पोस्ट पर रह सकता है, और ये चौथा सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जो किसी भी फौजी को दिया। एक ब्रिगेड में 3,000 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं और सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। इन्फेंट्री ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री बटालियन होती हैं और अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज होते हैं, और बाद में ब्रिगेडियर आर्मी हेडक्वार्टर्स या कॉप्स में भी अपनी ड्यूटी दे सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि कॉलर पे एक सिंगल स्टार होता है जो एक ब्रिगेडियर की पहचान होती है। अब उसके बाद गाइस जो पोस्ट आता है वो आता है मेजर जनरल की। मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक होता है और आपको कम से कम 32 साल की सर्विस करनी पड़ती है भारतीय फौज में इस पोस्ट तक आने के लिए। इसके अलावा एक मेजर जो है पूरे डिवीजन को कमांड करता है, ये भारतीय फौज की तीसरी सबसे हाईएस्ट रैंक मानी जाती है, और एक मेजर जनरल 58 साल की उम्र तक भारतीय फौज में सर्व कर सकता है। इनको आप बहुत भलीभांति जानते होंगे, यह है मेजर जनरल जीडी बख्शी। मेजर जनरल जैसे मैंने बताया कि उनके कंधे पे एक क्रॉस्ड बेटन और एक सेबर होता है, साथ में एक स्टार होता है, और ये 32 साल की सर्विस करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फौज के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे उनके कॉर्प्स कमांड हो गया, आर्मी हेडक्वार्टर हो गया, वहाँ पे भी अपनी सर्विस देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट एक 3 स्टार रैंक होता है और ये पोस्ट 36 साल की सर्विस के बाद भारतीय फौज में, अगर जब आप 36 साल की सर्विस देते हैं उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पदवी दी जाती है। ये सेकेंड सबसे हाईएस्ट रैंक होता है और एक लेफ्टिनेंट 60 साल की उम्र तक सर्व कर सकता है, और आगे तो इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जा सकता है। एक जो लेफ्टिनेंट होता है वो कमांड मतलब चार्ज इंचार्ज हो सकता है, किसका, कमांड का या एक कॉर्प्स का। हमारे भारत में फिलहाल के लिए 7 कमांड्स हैं अलग अलग जोन में और 14 कॉर्प्स हैं। एक कॉर्प्स में 3 से 4 डिवीजन होते हैं। अगर हम आगे बात करें लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे मैं बात करें 3 स्टार रैंक होता है गाइस, ठीक है जी, और इसको हमें क्या बना सकते हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनके हम ये बन सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि आपके सारे कमांड्स हैं, 7 कमांड्स हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थर्न, सदर्न, साउथ, वेस्टर्न, वेस्टर्न और ट्रेनिंग कमांड, तो इनके हेड्स आपके बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद गए सबसे हाईएस्ट पोस्ट आती है, जैसे पावरफुल पोस्ट इंडियन आर्मी की, वह है जनरल की, जो कि एक 4 स्टार रैंक होता है, और इस पोस्ट पे कोई भी ऑफिसर 3 साल तक सर्व कर सकता है या अपने 62 साल की आयु तक सर्व कर सकता है। अगर मान लीजिए कि 3 साल पूरे नहीं हुए लेकिन उनका अगर 62 साल पूरा हो गया तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाती है, उनको रिटायर कर दिया जाता है, यानी जो भी पहले हो जाए, या तो 3 साल पहले हो जाए या तो 62 साल पहले हो जाए, और इन्हें ही कहा जाता है कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे हम जानते हैं बिपिन रावत जी को। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट, ऐसा पोस्ट जो कोई फौजी ड्रीम करता है अचीव करने की, वह है फील्ड मार्शल की, जो कि एक 5 स्टार रैंक है, जनरल ऑफिसर रैंक है, और ये हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी में जो आपको मिल सकता है, और ये तब दिया जाता है जब आपने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया हो वॉर में और अपने देश को जिताया हो वॉर में, या आपके किसी मूव से फौज की बहुत बढ़ोतरी हुई हो या बहुत उनको फायदा हुआ हो युद्ध के समय, तब आपको ये पोस्ट दी जाती है। आज तक भारतीय सेना में केवल 2 लोगों को मिला है, के.एम. करियप्पा और सैम मैनेकशॉ को। फील्ड मार्शल जैसे कहा एक सेरेमोनियल पोस्ट है, यानी इसके पास पावर नहीं होती, ये सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए दिया जाता है, उनको एक ऑनर दिया जाता है। एक फील्ड मार्शल के कंधे पर अशोक स्तंभ होता है, और जो चिन्ह आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वो चिन्ह जो कोने में दिख रहा है वो आपको ये चिन्ह होते हैं, सिंबल होता है फील्ड मार्शल का। फील्ड मार्शल 2 थे आपको दिख रहे, के.एम. करियप्पा और एक सैम मैनेकशॉ। के.एम. करियप्पा ये रहे और ये रहे आपके सैम मैनेकशॉ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक